Good morning children, this is Varuna Sharma and now we are in 11th class. बेटा आज हम 11th class का topic ले रहे हैं और ये continuation में चलता आ रहा topic है जो कि already हम classification cover कर रहे हैं, but आज हमारा class Pisces, super class Pisces का ये last class है, class Osteichthyes. इसके बाद यानी इस phylum, इस class और इन characteristics के बाद हमारा Pisces जो सुपर क्लास पाइसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो ध्यान दें आप इस पर. यहाँ पर आज हम Osteichthyes को डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए जो Osteichthyes है, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, ऑस्टियोन एंड इक्थीस. ऑस्टियोन मीन्स बोन्स एंड इक्थीस मीन्स फिशेस. मीन्स दीज आर बोनी फिशेस, यानी ऐसी फिशेस जिनमें जो स्केलेटन है बॉडी का, एंडोस्केलेटन, वो बोन्स का बना हुआ है. फाइन, नाउ जस्ट लुक एट द अदर फीचर्स ऑफ दिस ग्रुप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैबिटेट की बात करेंगे. हैबिटेट एक्वेटिक है, मछली है तो पानी के बिना रह ही नहीं सकती, ये तो सबको पता है. मछली जल की रानी है, तो वो आपको ध्यान रखना है. तो वाटर जो है एक्वेटिक हैबिटेट है. एक्वेटिक हैबिटेट में जैसे हमने Chondrichthyes में किया था कि वहाँ पर मैराइन के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी वो, कि मोस्टली वो मैराइन वाटर में है, फ्रेश वाटर में कुछ एक फॉर्म्स हैं, बट यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यहाँ पर दे विल बी अवेलेबल इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर. ब्रैकिश वाटर आप समझ गए होंगे, ब्रैकिश वाटर कौन सा पानी होगा, ध्यान से सुने. जहाँ पर सी वाटर और रिवर वाटर मिक्स होंगे, दैट इज़ ब्रैकिश वाटर. क्योंकि वहाँ पर पानी का कंसनट्रेशन ना तो सी के अकॉर्डिंग होगा ना ही रिवर के अकॉर्डिंग होगा, मिक्स हो जाएगा. और उस टाइप का जो वाटर होगा उस जगह पर, दैट इज़ वो ब्रैकिश वाटर होगा. तो ये सभी जगह मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी और ब्रैकिश वाटर में भी. फाइन, नाउ दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन. नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक फॉर्म में. तो जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, जो एंडोस्केलेटन होगा, वो पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होगा. बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैच्योर स्टेज आनी शुरू हो जाती है, अडल्ट फॉर्म आनी शुरू हो जाएगी, वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन विल बी रिप्लेस्ड बाय बोनी एंडोस्केलेटन. देयरफॉर दीज फिशेज आर नोन एज बोनी फिशेज. इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, बोनी फिशेज. नेक्स्ट देखिए, दीज आर पॉइकिलोथर्मिक, एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड. मीन्स दीज आर कोल्ड ब्लडेड है ये, मीन्स दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम हो गया, सर्दियाँ आ गई, छिपना शुरू कर देंगी. जहाँ गर्मियाँ आई तो ये जो है बाहर निकलना शुरू कर देंगी. तो एक्टोथर्मिक हैं ये, यानी ये जो है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव करेंगे. नेक्स्ट देखिए आप, कॉडल फिन्स यूजुअली होमोसर्कल. जो कॉडल फिन है, जैसा कि हमने Chondrichthyes में भी स्टडी किया था, वहाँ पर जो कॉडल फिन था वो कॉडल फिन हेट्रोसर्कल था, एसिमेट्रिकल था, बट यहाँ पर कैसा है, होमो, सेम. फाइन, तो ये सिमेट्रिकल होगा, मीन्स अगर हम कट करें तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, प्रॉपर सिमेट्री मेंटेन करेगा. एक्सोस्केलेटन, यहाँ पर बॉडी कवर्ड होगी, बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो स्केल्स से कवर्ड होगा, और वो स्केल्स साइक्लोइड स्केल भी हो सकते हैं, टीनॉइड भी स्केल भी हो सकते हैं. देखिए यहाँ पर सी साइलेंट है तो हम बोलेंगे इसको टीनॉइड. टीनॉइड स्केल्स भी हो सकते हैं और गैनॉइड स्केल्स भी हो सकते हैं, कोई भी टाइप के स्केल्स हों. बट वन थिंग इज कॉमन, दीज ऑल स्केल्स आर डर्मल इन ओरिजिन. ये डर्मल होंगे, ओरिजिनेटेड होंगे, यानी डर्मल, डर्मिस से ओरिजिनेटेड होंगे ये. टर्मिनल माउथ होगा इनका, जैसे Chondrichthyes में हमने पढ़ा था कि स्नाउट में अगर लें तो वेंट्रल पोजिशन पर माउथ होगा लगभग. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ यहाँ पर माउथ कहाँ होगा, टर्मिनल, इस जगह माउथ होगा. तो कॉमन अगर हम लेबियो, आप ध्यान रखें, बिल्कुल कॉमन फिश है, सबने देखी है, तो लेबियो में माउथ बिल्कुल ये टर्मिनल पोजीशन पर होता है, तो माउथ इनमें भी टर्मिनल होगा. डाइजेस्टिव ट्रैक लीड्स टू एनस, यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है प्रॉपर, आगे चल के लीड्स तक, एनस तक पूरा लीड करेगी और सारे पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होंगे. प्रॉपर मीन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा यहाँ पर.
नेक्स्ट क्लोइका इज एब्सेंट, इनमें क्लोइका एब्सेंट है, क्लोइका प्रेजेंट नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे. एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स लाइज ऑन द डॉर्सल सरफेस, जो बॉडी का डॉर्सल सरफेस है उस तरफ एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट होंगे स्नाउट में. स्नाउट इज द हेड रीजन. बट ध्यान रखना है हमें कि जो लंग फिशेज हैं यानी डिप्नोई के जो मेंबर्स हैं, लंग फिशेज हैं, इनमें इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होंगे. फाइन. नेक्स्ट देखिए बोनी फिशेज का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दें आप. बोनी फिशेज के अंदर खास तरह के एयर सैक्स होते हैं, कुछ एक कैविटीज होती हैं जिनको हम कहते हैं एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, और इसको स्विम ब्लैडर भी कहते हैं, स्विम ब्लैडर, या तो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर. और ये ओसोफेगस, जो ओसोफेगस है उसकी डॉर्सल वॉल से डेवलप होते हैं, तो ये गिल्स के बिल्कुल नज़दीक ही प्रेजेंट होते हैं. और इनमें हवा, क्योंकि एयर ब्लैडर है तो हवा भर जाती है एयर कैविटीज़ में, और ये फिर हेल्प करती हैं बॉडी को बायोंसी मेंटेन करने में, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, और साथ साथ अप और डाउन बॉडी में ऊपर और नीचे की तरफ जब मूवमेंट होंगे उस वक्त ये मेंटेन करेगी बायोंसी को, अप और डाउन, नीचे कब जाना है, नहीं जाना है, क्या है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी. कहीं कहीं पर कुछ एक इसमें एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसका फंक्शन है वो है टू मेंटेन बायोएंसी. फाइन. फोर पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें फोर पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट है, और दीज गिल्स आर कवर्ड विद ओपरकुलम, मीन्स यहाँ पर ओपरकुलम प्रेजेंट है गिल्स के ऊपर. फाइन. नेक्स्ट देखिए टू चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, टू चैम्बर्स हैं यहाँ पर, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. टू चैम्बर्ड में क्या होगा, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल, लेकिन लंग फिशेज में इसका एक्सेप्शन है. लंग फिशेज में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होंगे जिसमें से टू ऑरिकल होगा और वन वेंट्रिकल होगा. बट ओवरऑल अगर लंग फिशेज को हम हटा दें और ओवरऑल अगर हम बात करें बोनी फिशेज की, तो उनमें टू चैम्बर्ड हार्ट होगा. फाइन. नेक्स्ट देखिए आरबीसीज यहाँ पर जो है ओवल हैं और न्यूक्लिएटेड हैं. मीजोनेफ्रिक किडनी है, यहाँ पर जो किडनी है वो मीडियम टाइप है. जैसे हमने पहले भी किया था किडनी थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रोटोनेफ्रिक यानी प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक. तो यहाँ पर जो किडनीज हैं वो मीजोनेफ्रिक किडनी है, एंड दीज आर अमोनोटैलिक, यानी यहाँ पर जो मेन एक्सक्रेटरी मटीरियल है वो अमोनिया होगा, जबकि कॉन्ड्रिक्थीस में ये यूरिया था वो यूरियोटैलिक थे, बट ये जो हैं अमोनोटैलिक हैं. तो यहाँ पर चीफ ने जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होगा वो क्या है, अमोनिया. फाइन. नेक्स्ट देखिए 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, मींस ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रही हैं वो 10 पेयर्स हैं. सो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है फिशेस का प्रेजेंट होगा ही होगा, तो इनमें भी प्रेजेंट है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन. इंटरनल ईयर्स आर प्रेजेंट, इनमें इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट होंगे, साथ साथ जो इंटरनल ईयर्स है प्रेजेंट है, और साथ साथ ही बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगे. फाइन. निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन इज प्रेजेंट, निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी. फिर से वही यहाँ पर रीज़न आ गया, क्योंकि एक्वेटिक है, पानी में हमेशा रहती है, आइज़ के ऊपर आई लिड होती नहीं है, तो आई लिड जो आइज़ हैं वो आई लिड एब्सेंस होने की वजह से पानी से ख़राब ना हो जाए, इसलिए बाय नेचर ने इनको प्रोवाइड करा रखा है, गिफ्ट दे रखा है निक्टिटेटिंग मैम्ब्रेन, एक तरीके से पूरी आइज़ को कवर्ड करके रखेंगी. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यहाँ पर, ध्यान रखना है फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मीडियम ऑलरेडी इनके पास है, तो फर्टिलाइजेशन ये कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे फीमेल की बॉडी से बाहर. मोस्टली ओवीपैरस है, ये एग लेइंग फॉर्म्स हैं यहाँ पर मोस्टली. फाइन. डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मीन्स नो लार्वल स्टेज, एक्सेप्शन है एंगुइला, एंगुइला एक्सेप्शन है, जिसमें एंगुइला जो है इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और इसका जो लार्वा है वो है लैप्टोसिफेलस, ध्यान रखना है इसकी लार्वल फॉर्म का, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंगुइला का ही है, बाकी सब में तो क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है. फाइन.
साथ साथ एक फीचर आ रहा है, डेवलप हो रहा है यहाँ, दे शोज पेरेंटल केयर। ये पेरेंटल केयर शो करते हैं, मीन्स कुछ एक ऑस्टेक्थीज और बॉनी फिशेज ऐसी हैं जो अपने यंग वंस को केयर प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर? इसके एग्जांपल्स हैं आपके लेबियो, कटला, एंगुला, क्लेरियास एट्सेट्रा, ये सब। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे आज के हमारे फीचर्स क्या हैं फाइलम क्लास ऑस्टेक्थीज के, बोनी फिशेज के। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख लें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।